उज्जवल भारत न्यूज, देश की प्रखर आवाज। नमस्कार, उज्जवल भारत न्यूज में आपका स्वागत है। चलिए आज आपको समुद्र की पूजा के बारे में बताएंगे कि क्यों समुद्र की पूजा करनी चाहिए, आखिर समुद्र की पूजा के पीछे क्या कोई विधि पुराण छुपा है। बिल्कुल हाँ, पुराणों में वर्णित एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा है जिसमें देवताओं और दानवों ने मिलकर समुद्र का मंथन किया था। दुर्वासा ऋषि ने अपना अपमान होने के कारण देवराज इंद्र को श्री लक्ष्मी से हीन हो जाने का श्राप दे दिया। भगवान विष्णु ने इंद्र को श्राप मुक्ति के लिए असुरों के साथ समुद्र मंथन के लिए कहा। श्री राम ने इसके लिए समुद्र से अपनी लहरों को शांत कर देने का अनुरोध किया ताकि उस पर सेतु का निर्माण किया जा सके। जब 3 दिन तक की निरंतर प्रार्थना के बाद भी समुद्र शांत नहीं हुआ तब श्री राम ने ब्रह्मास्त्र के द्वारा उसे सुखा देने का निश्चय किया। नमस्कार, ये है हमारा खूबसूरत वलसाड़ का तीथल समुद्र किनारा। आप यहाँ पे लहरों की जो ऊंचाई लहरों जो ऊंचे ऊंचे यहाँ पे लहरें आ रहे हैं उसको जरा आप करीब से देखिए। और परसों इंदिरा एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी माना जाने वाला, एक पर्व की तरह माना जाने वाला, क्योंकि पितृपक्ष का ये समय चल रहा है। इस एकादशी को अवश्य करिए। और आज हम यहाँ पे हमारे खैरगाम के प्रफुल्ल शुक्ला जी, जिसे हम अंतर्राष्ट्रीय कथाकार के नाम से जानते हैं, बापू जिसे कहते हैं लोग, स्नेह भरिय नाम से बुलाते हैं बापू, आज उनके साथ हम यहाँ पर आए हैं। परसों बुधवार को इंदिरा एकादशी परसों मनाया जाएगा, जो इस श्राद्ध के महीने का बहुत बड़ा एकादशी माना जाता है। और बापू इस साल की नवरात्रि दुबई में मनाने वाले हैं, तो उनसे कुछ वार्तालाप करेंगे कि इस साल की नवरात्रि वो दुबई मनाने वाले हैं, तो दुबई में वो क्या करने वाले हैं, किस प्रकार कथा करने वाले हैं, और परसों एकादशी है उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। और आज वो एक विशेष पूजा करने के भांति यहाँ पर आज आए हैं। विशेष पूजा ऐसी होगी, उनकी पूजा करने के लिए यहाँ पे आए हैं। तो आज हम देखते हैं कि आज नारियल को लेकर वो कुछ विशेष पूजा करने वाले, श्राद्ध के इस महीने के दौरान जब हम लोग पितृपक्ष को हम लोग श्राद्ध और खाना पहुँचाते हैं। खैरगाम से सीधे वलसाड़ पहुँच गए हैं और कहते ना आज भी उनकी वो बहुत स्वस्थ लग रहे हैं और आज भी उनके शरीर में इतनी ताकत है कि इतनी ऊंची सीढ़ियाँ वो उतर कर और चढ़ कर यहाँ पे पूजा विधि करने पहुँच गए। हमारे बापू यहाँ पर आ गए हैं। स्वागत है बापू आपका बहुत बहुत हमारे वलसाड़ के इस समुद्र के किनारे में। हिंदू धर्म में नारियल बहुत शुभ माना गया है। मान्यता है कि इसमें ब्रह्मा विष्णु और महेश का वास होता है। कुछ पुराणों में नारियल को माता लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। आइए जानते हैं कुछ महत्वपूर्ण बातें। कोई भी यज्ञ हवन और पूजा बिना नारियल के अधूरी मानी जाती है। ये पूजा पाठ की अभिन्न सामग्री है जिसका इस्तेमाल हमेशा से किया जा रहा है। हिंदू धर्म किसी भी शुभ कार्य को करने से पहले नारियल फोड़ने की परंपरा है। ये एक शुभ फल माना जाता है, इसीलिए मंदिरों में भी इसे चढ़ाने का रिवाज है। बापू बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खूबसूरत समुद्र किनारे वलसाड़ क्षेत्र में। कैसे हो बापू आप, पहले ये बताइए। बस बस, ये समुद्र के किनारे हमें जो भगवान रत्नाकर का दर्शन करने का मिला, जो रत्नाकर भगवान समुद्र नारायण का दर्शन करता है उसके जीवन में सदैव सुख संपत्ति और संपदा रहती है। ये भगवान रत्नाकर का दर्शन करके हम बहुत धन्य हुए। कैसा आपने ये विधि की है, वो क्या विधि था? ये विधि थी समुद्र को अर्घ्य अर्पण करना। आज की तारीख में करना जरूरी था, ये क्या है, आज का तिथि क्या है आज की? आज की तिथि ऐसी कोई नहीं, जब भी समुद्र के किनारे हम जाते हैं तो समुद्र नारायण को अर्घ्य अर्पण करते हैं। क्योंकि हम समुद्र को भगवान मानते हैं। बिल्कुल, यहाँ लक्ष्मी जी और भगवान विष्णु का निवास है। ओ भगवान क्षीर सागर में जो विराजते हैं, इसका हम दर्शन करने आए हैं। इसका क्या महत्व है इस तरह की विधि करने का? ये विधि का महत्व है कि समुद्र नारायण को अर्घ्य देने से भगवान लक्ष्मी नारायण प्रसन्न होते हैं और जीवन में सदैव उसकी कृपा बरसती है, ये उसकी महिमा। आप दुबई जा रहे हो, उसके बारे में कुछ बताइए। वहाँ भागवत की कथा का आयोजन किया गया है नवरात्रि में व्याप्तिबेन जोशी के द्वारा जी, और मुख्य यजमान हमारे महेंद्र भाई सावित्री ज्वेलर्स वाले हैं। लोगों की मांग थी कि भाई भागवत कथा का रसपान किया जाए जी। ये अवकाश मिला है तो हम वहाँ यात्रा कर रहे हैं।
दस दिन इस साल की नवरात्रि आप विदेशों में करेंगे। हाँ अच्छा, परसों एकादशी है, उसके बारे में जरा चर्चा कीजिए। बुधवार को जो एकादशी है उसका नाम है इंदिरा एकादशी। श्रीमद् भागवत के अंदर दसम स्कंद में गोपी गीत में कहा गया है, जयति ते धिकम जन्म नाव्रज श्रयत इंदिरा सस्वदत्र ही। इंदिरा वो लक्ष्मी जी का नाम है जी। जो इंदिरा एकादशी का व्रत करता है, इंदिरा एकादशी का जो उपवास करता है, उसके ऊपर भगवान की कृपा बरसती है, लक्ष्मी जी प्रसन्न रहते हैं और सदैव उसके जीवन में धन धान्य और समृद्धि रहती है। हमारे गरुड़ पुराण में तो कहा गया है, जो एकादशी का महात्मा ही बताया गया है जी। साल में 24 एकादशी आती है जी। इसमें से ये इंदिरा एकादशी है। भाद्रपद मास में आने वाली ये कृष्ण पक्ष की एकादशी मनोकामना पूर्ण करने वाली है, मनोरथ पूर्ण करने वाली है। जो वैष्णव है, सनातन धर्म में इंदिरा एकादशी की बड़ी महिमा है। सनातन धर्म की जो परंपरा है, जो वैष्णवी परंपरा है, उसमें ये एकादशी का बड़ा महात्म्य है। ये हमारे सनातन धर्म की मूल बुनियाद है। भगवान गणेश, माताजी, विष्णु भगवान, शिवजी और सूर्य नारायण, ये सनातन धर्म की बुनियाद है और इसके ये प्रत्यक्ष दर्शन यहाँ हो रहे हैं। इंदिरा एकादशी का व्रत करने से सबको मनवांछित फल प्राप्त होता है। एक आखिरी प्रश्न है, जो हमारे धर्म के ही कुछ ऐसे व्यक्ति हैं जो हमारे कृष्ण को ग्वाला कह रहे हैं और हनुमान जी को भगवान न है वो कह रहे हैं, उसके लिए आप क्या ऐसा बोलना चाहते हो उन लोगों के लिए? वो सब मूर्ख और बेबुनियाद लोग हैं जिसकी कोई ठिकाना ही नहीं है जी। किसी भी धर्म को ऊंचा करने के लिए किसी को नीचा दिखाना, ये हमारे धर्म की बुनियाद नहीं है जी। वो हनुमान जी को भगवान नहीं मानते, उसको क्या पता हनुमान जी कौन है। भगवान शिव जी के एकादश रुद्र अवतार हनुमान जी है जी। और वो हनुमान जी संसार में प्रत्यक्ष फल देने वाले देवता है। बिल्कुल। जो शतबार पाठ कर कोई छूट ही बंदी बाहर सुख होई। गोस्वामी ने जो लिखा है कि 100 हनुमान चालीसा का यदि पाठ किया जाए तो तुरंत ही हनुमान जी प्रत्यक्ष फल देते हैं। वो मूर्ख लोगों के विवाद में हमें जाना नहीं है, हमें हमारा काम करना है, हमारे भगवान का जय जयकार करना है। एक बात मैं और ये कहना चाहता हूँ कि जो युवा वर्ग है वो संप्रदायों और पंथों के में न जाए जी। आने वाली पीढ़ी को सिखाइए कि हमारे गणेश है, हमारे दुर्गा है, माता है, हमारे विष्णु भगवान है, हमारे शिव जी है और हमारे सूर्य नारायण देव है जी। आने वाली पीढ़ी के लिए एक षड्यंत्र रचा जा रहा है जिसमें ये पंचदेव तो देव को लुप्त करने की चेष्टा हो रही है, लेकिन उसमें वो कामयाब नहीं रहेंगे क्योंकि सनातन धर्म ही सनातन है। बिल्कुल। सनातन धर्म ही सत्य है और सनातन धर्म ही विश्व का दारो मदार है। सनातन धर्म की जय हो। धन्यवाद। अश्विन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी तिथि को इंदिरा एकादशी व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में इस व्रत का महत्व बहुत अधिक है। मान्यता ये भी है कि भगवान विष्णु को समर्पित यह व्रत रखने से श्राद्ध के समान फल प्राप्त होता है। इस वर्ष ये व्रत 21 सितंबर बुधवार को पड़ रहा है। पितृपक्ष में होने के कारण इसका महत्व और भी अधिक बढ़ जाता है। शास्त्रों के अनुसार जिस व्यक्ति ने पितृपक्ष में श्राद्ध किया नहीं किया हो उसे इंदिरा एकादशी व्रत अवश्य रखनी चाहिए। यही कारण है कि अन्य सभी एकादशी व्रत इंदिरा एकादशी का बहुत खास माना जाता है। प्रफुल्ल शुक्ला जी की सबसे बड़ी बात मुझे ये लगी कि आज इतने उम्र के होने के बावजूद भी आज इस प्रकार से वो सीढ़ियाँ उतरकर आए हैं और वापस वो जाएंगे, तो ये मैं युवा वर्गों के लिए मैं ये कहूँगी ज़रूर कि फास्ट फूड और कोल्ड ड्रिंक का सेवन बंद कीजिए, नशीली पदार्थों का सेवन बंद कीजिए और इस उम्र में अगर आपको खूबसूरत नज़ारों का अगर आपको लुत्फ उठाना है तो अपने आप को सादगी की ज़िंदगी, ऊँचा विचार और ज़िंदगी बहुत सादी सिंपल होनी चाहिए ऐसे विचार रखिए और ज्ञान प्राप्त कीजिए। इतना हो सके सनातन धर्म का ज्ञान प्राप्त भागवत गीता जरूर पढ़िए। ये अब परसों इंदिरा एकादशी है, बहुत बड़ी एकादशी माना जाने वाला, एक पर्व की तरह माना जाने वाला, क्योंकि पितृपक्ष का ये समय चल रहा है। इस एकादशी को अवश्य करिए। उज्ज्वल भारत न्यूज़, देश की प्रखर आवाज़, सीमा भट्टाचार्य वलसाड़ के तिथल बीच से धन्यवाद। और मैं सबसे पहले ये कहूँगी हमारे साथ हमेशा बने रहिए,
चैनल को देखते रहिए और आपका प्यार और आपका आशीर्वाद हम पर बरसाते रहिए। लाइक करें, शेयर करें और आपकी राय ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइएगा। और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि आपका साथ ही हमारा विकास है। सबका साथ सबका विकास। नमस्कार, धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।